स्पीक मेकिंग को स्वागत करूछि मु निवेदिता दर्शक बंधु आबे आज आलोचना करबा जे वर्तमान जो कथा सामना को आसुछि राज्य रे एक्टिव अछंती कि स्लीपर सेल प्रकृत रे ए स्लीपर सेल कोन ए माने केते दूर राज्य रे एक्टिव अछंती एवं जो कथा आपण जानथिबे मते डीआरडीओ कथा आपण सामना को आसितला एवं जो भोबली भाबे पांच जणा थरे गिरफ होइछंती आ रहस्यमय युवती को ना सामना को आसला जतबेले कोलकाता रु किशोर को धरा हला तबे कोटना कोठी ताकुरे मते प्रश्न आसला जे राज्य रे माने केते एक्टिव आ प्रकृत रे ए माने केते विपद सृष्टि करि पारंती अधिक आलोचना करबा संतोष जणा रिपोर्टर आम सहित जोड़ संतोष प्रकृत में जानवाक चाहिए स्लीपर सेल कौन एवं एक्टिव अच्छा वर्तमान समय राज्य में क्राइम ब्रांच एडीजी कौन प्रतिक्रिया रखिंट बाबद देखो स्लीपर सेल को लेकिन ये प्रश्न आसूसी कहगला जे बोध हुए स्लीपर सेल एक्टिव अच्छा एक्टिव अच्छा आज क्राइम ब्रांच एडीजी संजीव पंडा सूचना अनुसार जे 18/4/2021 रहस्यमयी महिला बादे आउ जणे जी आउ गोटे आई डी हुए तो सी एका लोक होती किंतु संदेह करा जाउची जे ए आउ जन युवती सी तांकु दरकार थिबा कथा कहिबा सह अति जरूरी थिबा कथा सह जणे अभियुक्त को पचारिले जे आपणक अकाउंट रे एबे केते टंका अछि अभियुक्त जणक कहउचंती जे मो अकाउंट रे एबे 45,000 टंका अछि एवं सी दुबई रे तांको संपर्कियंकर संपर्कीय कुहंतु किंबा अन्य किछि भी कहिकि विश्वास जन्मउचंती तापर 40,000 टंका मागुचंती एवं रहस्यमय युवती बादे आउ गोटे आईड्रु जो टा मगुच्छी जड़े तो ये अभियुक्त से दुईट आकाउंट को गोटे आकाउंट को 30,000 आउ गोटे आकाउंट को 10,000 जो आकाउंट ट्रांसफर करा ट्रांसफर कर तो से दुईज जो दुईट आकाउंट को टा जा बर्तमान सा क्राइमब्रांच सूचना दूसरी से दुईज आकाउंट हूँ दुईटा पुरुष लोकंर तार खबर पुलिस बाटू अर्थात 19/4/2021 18 रे पैसा गला 19 रे संपृक्त युवती जनक पैसा अभियुक्त को फेरउचंती पैसा आउ अकाउंट रे टंका ट्रांसफर होनी सीधा सड़क अभियुक्त अकाउंट रे डिपोजिट होउची जेहेतु अभियुक्त अकाउंट रे डिपोजिट होउची चांदीपुर एसबीआई ब्रांच रे टंका डिपोजिट हेता कथा वर्तमान समय आशंका कराउची नियत भाबरे आशा रखा जाउची जे केही ना केही स्लीपर सेल रे काम करुची जीए अभियुक्त अकाउंट रे टंका डिपोजिट करुची एवं पूर्वरु सहयोगी रोशन रथ गोटे रिपोर्ट मध्य करथिले जोथरे कालकाटा रे किछि आतंकवादी गिरफ होइथिले खबर आसुथिला से आतंकवादी माने ओडिसा रे किछि दिन पूर्वरु लुचि रहिथिले एवं एथि मध्य आशा करा जाउची बोधय स्लीपर सेल रे काम करथुवा किछि लोक अछंती जो भली उदाहरण वर्तमान समय रे सुराकोटिया आसुची जे अभियुक्त अकाउंट रे टंका डिपोजिट किए कला क्राइम ब्रांच वर्तमान संधान बाटौची क्यों ब्रांच रे केते समय रे केतोटी 500 टंकिया केतोटी 2,000 टंकिया केतोटी 100 टंकिया डिपोजिट होइछि एवं सीसीटीवी आधार रे संपृक्त व्यक्ति को चिन्हट करा जिवो जिए कि स्लीपर सेल रे आतंकी को पाई काम करुछि जिए जातीय सुरक्षा को विपत्ति रे पकेइ कि देशद्रोह रो उदाहरण सृष्टि करुछि सेई लोकन को विशेष भाबरे चिन्हट करा जिवो एवं विशेष करी स्लीपर सेल रे काम करथुवा लोक जो माने आतंक संगठन को साजो सहज करंती सेमानन को के टंका आकार रे कह जाय एवं सेमानन को आमे फिल्म रे मध्य देखिचंती स्लीपर सेल रे काम करथुवा लोकन को ऑन द स्पॉट शूट कर दिया जाय अर्थात काले से खबर लीक न हो गुइंदा विभाग पाखे खबर न पहुँचब जो कि पूरा घटनास्थल में मारि दि जा खबर आ स्लीपर सेल रे से काम करती किसी अर्थ लोभ ना अन्य किसी लोभ देखा जाए जो थे से टंका आसे और से सुरक्षा को विपद में पकईकी आतंकी मान जो मैंने देशर सुरक्षा जहाँ दरकार अच्छी देशर शत्रु पारती आतंकी पारती अति सहजे तथ्य दे दिखती जो थे एक सामना को आसूसी जो अभियुक्त आकाउंट तापर दिन टंका 40,000 किए डिपोजिट कला आउ सीए आतंकी संगठन रि नुए और सीए स्लीपर सेल सदस्य कि नुए सन्देह उपजुच्छे जो थे क्राइम ब्रांच बर्तमान समय तदंत चलता संतोष क्राइम ब्रांच तदंत चलाई खुब शीघ्र खोज बाहर करने दरकार रोशन रथ अच्छा आम रिपोर्टर रोशन निकट में कोलकाता जो आतंकी धरा पड़ते कहने लुचि रही थे जदि प्रकृत में लुचि रही था से भाई किसी आक्टिव था ये केते विपद सृष्टि कर पारे आगो को देखो निवेदन निश्चित भाव में जदि आम गत किछि मास तलर जिनस देखा जितेबले कलिकतारु जमुत इल मुजाहिदीन जोटा कि बांग्लादेश सब बड़ आतंकवादी संगठन बोली कह जाए से संगठन तीन जन को गिरफ कर कलिकता जितेबले वेस्ट बेंगल एसटीएफ पचरा उचरा करता से गोटे गुरुत्वपूर्ण तथ्य सामना को आसला जे एभली 15 जन आतंकवादी जितेबले वेस्ट बेंगल आउ बांग्लादेश बॉर्डर देकी पश्चिम बंगे प्रवेश करते
जन कलिकतार रही थे अन्य दस जन देशर विभिन्न स्थान को जम्मू काश्मीर को बिहार को एवं ओडिशा को सेने मुभमेंट करते कि दिन रही थे जो तीन जन आतंकवादी गिरफ होते हैं एसटीएफ सामने निजर एसटीएफ सामने कही तेणु एठू बड़ कथा गोटे कथ स्पष्ट होते गोटे आतंकवादी गिरफ हो सी कहर जो मैंने सहयोगी सहित भारत भितर प्रवेश करते जदि ओडिशा आसुच्च तेज निश्चित भाव में ओडिशा से स्लीपर सेल एक्टिव अच्छा से रखा खाया पिया व्यवस्था करने सहित किभली भाव में सुरक्षित रे से जो उद्देश्य नहीं कि देश को आसेश्य किभली भाव में सफल होने सहयोग कर तेणु क्योंठ ना क्योंठ गुइंदा विभाग उपर गोटे बड़ प्रश्न उठुचे जदि स्लीपर सेल एक्टिव रोचि एभली आतंकवादी कार्यकलाप गुइंदा विभाग ठीक भाव में नजर रखी पार नहीं तेरे निश्चित भाव में क्योंठ ना क्योंठ देश प्रति कहतु कि राज्य प्रति गोटे बड़ विपद अच्छी कारण यह पूर्व जानते कटक आतंकवादी को गिरफ्त कर विभिन्न समय गोटे गुइंदा विभाग उपर बड़ दायित्व थाए बास्तव में जदि स्लीपर सेल मैंने आक्ट अच्छा तेरे निश्चित भाव में जदि किसी आतंकवादी एक्टिविट हुए कि अगर राज्य आतंकवादी धरा पड़ुंट से सहित क्योंठ ना क्योंठ सहित लिंक रोचे जदि आम ओडिशार मानचित्र कथा भी आप देखा देखूँ आप भद्रक कहतु बालेश्वर कहतु किंवा केन्द्रापड़ा कहतु यही सबू जिलागुड़िक बोर्डर गुड़िक क्योंठ ना क्योंठ सिक्यूरीटी ढिला रही जहाँफल विभिन्न समय देखा बहुत बांग्लादेशी इल्लीगल एंट्री करा क्योंठ ना क्योंठ सुरक्षा प्रति गोटे बड़ विपद सृष्टि कर इल्लीगल एंट्री हुए एवं ठीक भाव में गुइंदा कि पुलिस विभाग तापर नजर न रखती तेबारे कौन मुहूर्त आतंकवादी एपट दे एंट्री करते रास्ता दे एवं जहाँ देश कि राज्य गोटे सुरक्षा उपर बड़ प्रश्न सृष्टि कर ओके नियंति देश एवं राज्य बड़ विपद सृष्टि कर तेणु ता पूर्वर एमती किसी स्थिति होगा पूर्व गुइंदा विभाग को आहरी आक्टिव होगा दरकार संतोष जानवाक चाहिए एमती आम राज्य में केते स्थान रही जो थे कि लुचि रही पारती जार संभावना देखा दूसरी देखो विशेष करके स्लीपर सेल रे सही लोक माने रहंती जो मानंकु लोभ देखा जाए आर्थिक लोभ कथा कहतु अन्य किसी लोभर वशवर्ती करके किसी तथ्य हासिल करवा एवं सहजरे सुविधारे जो माने देशर शत्रु अर्थात आतंकी से मानकर काम को किभली भाव में एटी सहज सुविधा कर दि जाव से हिसाब से माने काम करती बड़ कथा हूँ आप देखु विशेष करके राज्यर बॉर्डर एवं ता सहित देशर बॉर्डर एवं ए जगार जोटी स्थलभाग देकी हुए तो सेने आसीपे कि जलपथ देकी किभली भाव से अति सहजे आसी एवं निकट में आपड़ देखिथे ओडिशार मध्ये अनेक स्थान अच्छी केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर एमती अनेक जगह अच्छी जो बाट देकी बांग्लादेशी मैंने आसीपर आतंकी मैंने आसीपारे निकटे जोबले गुइंदा विभाग केते तथ्य केते तत्परता गुइंदा विभाग अच्छे और केते तथ्य जोगाड़ करुचे मानक विषय एक कथा को नहीं प्रश्न आसे किंतु जदि आम विषय को फेरवा ताले क्राइम ब्रांच पक्षर जहाँ सूचना रही जे पूर्वरु पांच जन अभियुक्त को गिरफ्त करते जड़े अभियुक्त पखापाखि 38,000 टंकार टंका नेणदेण करनाक आसला आउ ये टंका नेणदेण से आकाउंट टू आकाउंट ट्रांजाक्शन होता अर्थात अभियुक्त रहस्यमयी महिला को पठाई रहस्यमयी महिला अभियुक्त को टंका पठाई किंतु एबे आउ जो जड़े युवती सामनाक आसी ए कथा को लेकिन स्लीपर सेल आक्टिव थी कथा बर्तमान समय संदेह करईपाई संदेह करे अभियुक्त टंका पठाई दुई जन आकाउंट को मुंबईर दुई जन पुरुष लोकों पाखक पठाई जो दुई आकाउंटर आधार क्राइम ब्रांच वर्तमान मुंबई में दुईट टीम पठेब से डिटेल्स कलेक्ट कर दुईज किए ये फेक आईडी किंवा कौनसी ठीक आईडी ये दुईज आकाउंट को प्रकृत में टंका किए पठेला कहीं पठेला एवं ए दुईज सहित युवती कौन संपर्क अच्छी ये घटनाटी इजी प्रोसेस एक कथा क्राइम ब्रांच खूब शीघ्र जापर एवं क्राइम ब्रांच को मुंबई जबार आवश्यकता अच्छी एक कथा निजे क्राइम ब्रांच एडीजी संजीव पंडा कही सारी किंतु द्वितीय कथा हूँ जे अभियुक्त आकाउंट ट्रांसफर करुच्ची टंका किंतु अभियुक्तर आकाउंट रे टंका डिपोजिट कराउची एमिति भी घटना घटी थाई पारे कोनोसी एटीएम काउंटर रे अभियुक्त आकाउंट रे टंका डिपोजिट कर थाई पारे काहेकि ना अभियुक्तर आकाउंट रहिछे चांदबाली क्षमा करिवे चांदीपुर रो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे ब्रांच रे यार आकाउंट रहिछे नियत भाव रे तार आखो पाखरे कोटी टंका डिपोजिट कर करा जाइछि बोली क्राइम ब्रांच वर्तमान समय आशा कराउची आशा करूची जदि आखो पाखो अंचल रे टंका डिपोजिट करा जाय थाए
ତାହେଲେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଦୁବାଇରେ ଥିବା ମହିଳା ଯିଏ ୟାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠେଇଛି 30,000 10,000, ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 30,000 ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 10,000। ତାହେଲେ ୟାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ କାହିଁକି? ଟଙ୍କା ଏଇଥିପାଇଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଖବର, ସେମାନଙ୍କ ଖବର କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଆଉ ଯଦି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ର କଥା ଆସୁଛି। ବୋଧେ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ର ସଦସ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲୋଭ ହେଉ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆତଙ୍କୀ ମାନଙ୍କ କଥାର ହେଉ କିମ୍ବା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦକୁ ଠେଲିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଆତଙ୍କୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଆତଙ୍କୀର ଖବର କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ନ ଲାଗିବ, ପୋଲିସ ହାତରେ ନ ଲାଗିବ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ହାତରେ ନ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ସଦସ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା କେଉଁ ମେସିନ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଛି ଅଥବା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଛି, ଟଙ୍କା କିଏ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛି ଆଉ ତାର CCTV ରେକର୍ଡ଼, ଏକଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଶା କରୁଛି। ନିବେଦିତା ଓକେ ସନ୍ତୋଷ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ଆହୁରି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଲୁଚି କରି ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ବୋଧହୁଏ DRDO କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା ବୋଧହୁଏ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନଥାନ୍ତା। ସନ୍ତୋଷ, ଫେରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ସହିତ ରୋଶନ ରଥ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ଯା ସନ୍ତୋଷ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ 40,000 କଥା କୁହାଗଲା, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଏ DRDO କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଆଜି ଏ କଥା ଏତେ ବାଟ ଯାଇନଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତା ବି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ଘଟଣା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାରଣ ଏତେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ସେଠୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲିକ୍ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟମୟ ଯୁବତୀ ଯିଏ କୁହାଯାଉଛି କି ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରାଉଲପିଣ୍ଡିରୁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଥିଲା ବୋଲି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଗୁଇନ୍ଦାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ DRDO ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ଗୁଇନ୍ଦା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାର ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ନଜର ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥାନ୍ତା ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ର କଥା ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ନକରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଯିବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଯେତେ ଅପରେସନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଜଣେ ନୂଆ ରହସ୍ୟମୟ ଯୁବତୀ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବେ, ପୁଣି ସେହି ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଚେନ୍କୁ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ସେ ଚେନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏ ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ଏବଂ ପୁରା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ମଧ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିବନି, ଏବଂ ଯେତେ ଏ ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନୂଆ ହନି ଟ୍ରେପ୍ର କଥା ଆସିବ ଏଇ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ହିଁ ତା'ର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବେ। ନିହାତି, ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ହିଁ ତାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବେ। ସନ୍ତୋଷ, ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସନ୍ତୋଷ, ଯେଉଁ 40,000 କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADC ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା କରି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ 40,000 ପଛରେ ସେ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ହାତ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, 40,000 ଟଙ୍କା ପଛରେ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ର କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ, ଏ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଇଥିପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭୁଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ, ଏମିତିକି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା, ଏମିତିକି ଅନେକ କଥା ତାକୁ କହିବା, ତା ଗାଁ ପାଖ କଥା, ତା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କଥା କହିକି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବା, ଏ ହେଉଛି ଫଣ୍ଡା। ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅତି ଜରୁରୀ ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଅଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 45,000 ଅଛି। ତାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ କହିଛନ୍ତି ଅତି କମ୍ରେ ମୋ ଦରକାର ସମୟରେ
40,000 टंका पठांतु दुईटी अकाउंट पठाउछि गोटी अकाउंट को 30,000 आ गोटी अकाउंट को 10,000 ए दुई जन को दबार अछि टंका जोति पई कि मते टंका पठांतु नियत पापरे अभिजुक्त जेते बडे युवती को मायरे बाया हिछि तो से अति कम रे निजो विश्वास जन्मैछि जे हुए तो केही का अकाउंट केबे दबनि एवं ए अकाउंट थोर रही मु जानि पारिबि म टंका किए नै छि न नै छि एवं ता उपरे मध्य टंका फेरि न पाइले केस करि पारिबि एवं 18/4/2021 रे ये 40,000 टंका दुईटी अकाउंट को देले ठीक 19/4/2021 अर्थात ता परदिन संप्रुक्त युवती फोन करी पचारुचंती जे आपणक अकाउंट रे टंका आसिला कि नाही ये अकाउंट चेक करुचंती जे ठीक को ठीक 40,000 टंका आसेछि अर्थात ये जणक अकाउंट को पठेले विश्वास जन्मेला युवती किंतु यांको अकाउंट रे डिपोजिट हेला टंका कथा आसुचि जे टंका काहे कि डिपोजिट करा गला सेमाने तांकर परिचय गोपन रखिले युवती जनक तांको परिचय गोपन रखिले अन्य का अकाउंट नंबर दे दे पार थांती एवं का अकाउंट को टंका जाय थई पारे सेमिति भी किछि कहि होबनी किंतु एठी काम करथुबा जने लोक जो माने स्लीपर सेल रे काम करुचंती अभिजुक्तर अकाउंट रे टंका डिपोजिट करुचंती अर्थात ये मध्य विश्वास जन्म जाउछि जे संप्रुक्त युवती ठीक ठाक कोनोसे प्रकार रहस्यजनक कथा नाही किंबा ए देशर स्वार्थ देशर सुरक्षा भितरे हानि करबा भलि किछि घटना आत्रे नाही जोंतिपई से गोटिए परे गोटिए पद आगो को बढुचंती तांकर विश्वास जन्माउचंती एवं अनेक गुडिए तथ्य लीक करुचंती जोंतरे आतंकिंकु सुविधा आउची अर्थात जो माने भी रहस्यमय युवतींक माध्यम रे किछि देशर सुरक्षा जनित कथा को हासिल करिया को चाहुचंती सेमाने मध्य हासिल करि पारुचंती एवं टंका डी डिपोजिट कला ये होची गुरुत्वपूर्ण जे टंका डिपोजिट करथुवा लोक आम भली साधारण लोक होइतै पारंती आम आखपाखे रहितै पारंती एवं स्लीपर सेल सेई माने कर स्लीपर सेल रो सदस्य सेई माने होंती जे किछि आतंकी संगठन जो माने देश को विपद रे पकांती देशर सुरक्षा विषय रे किछि तथ्य हासिल करिया को चांती एवं देशर नियम कानून भितरे आतंकी को सहयोग करिया पई थांती सेई मानंकु स्लीपर सेल रो सदस्य कराइथाय एवं जो माने आर्थिक किछि सुविधा सुजोग पांतु किंबा अन्य किछि एवं ए क्षेत्र रे मध्य सेई आइछि जे निजर परिचय गोपन रखी युवतजनक दुइ जनक अकाउंट को टंका पठिया पई कहले टंका देला बेले टंका को डिपोजिट कले अर्थात जे टंका नैथिला से टंका देबा बेले किछि प्रकार कोनो प्रकार लिंक रही पारा ना अर्थात जदि एवं क्राइम ब्रांच जीव जहाँ अकाउंट को टंका जाइए हुए तो सी एक बाहर दे पारती आम अकाउंट को टंका केउठ आसला आम एक जानू एक आम बुझी ना जदि से टंका पठे था हुए तो एक स्पष्ट होता जे डीआरडीओ काम करुवा अभियुक्त जहाँ को गिरफ्त कराई ता सहित जो माने टंका नहीं किसी सामंजस्य थपे एवं एबे ये सामंजस्य को जोड़ी हम ना इथिपाई जो टंका को क्याश्रे डिपोजिट कराई टंका डिपोजिट है क्योंटी कौनसी एटीएम मेसीन होगा कौन सी बैंक ब्रांच को बैंक ब्रांच एवं ये जी टंका डिपोजिट कर तार सीसीटीवी फुटेज क्राइम ब्रांच हाथ में लगे से ही सीसीटीवी भिजुआल ही कन्फर्मेसन आसो जो प्रकृत में स्लीपर सेल सदस्य किए किए राज्य भितर रही आतंकी को साय कर देशर नियम कानून ऊर्धर रही से सुविधा सहयोग जोगाऊ किए एम पाखे जदि पहुँची पार क्राइम ब्रांच ताले ए माने ही कहिबे जे प्रकृत रे यार मूल ऑपरेट किए एवं एको ऑपरेट करुची किए मास्टर माइंड किए रहस्यमय युवती एवं टंका मागिथुवा युवती ये दुई जन अलग अलग ना जने ना यांको पछरे आउ किए संगठन अछि जो माने देश को विपद को ठेलिया को चाहुचंती सुरक्षागत किछि तथ्य हासिल करी शत्रु को सहयोग करिया को चाहुचंती एकथा मध्य पूरा स्पष्ट भाबरे सामना को आसिबो निबिता नियति संतोष जेमती आपण कहते जे सीसीटीवी फुटेज को मध्य तदंत पर्षभुक्त करा दरकार खूब शीघ्र एम चेर के पर्यटन लंबी ता सार्वजनीन होगा दरकार तेज रोशन अच्छा रोशन पाक फेरवा कि पूर्व क्राइमब्रांच एडीजी संजीव पड्डा बाबद कौन प्रतिक्रिया रखते आसन शुणा जड़े जो आम पांच जन गिरफ्त हो जनक सागरे संपर्क स्थापन करते सी एरिया परिचय देते से दुबई में चाकरी कर एवं संपर्क बढ़ला परे से तांगठु माने पैसा मध्य किछि टंका मागिथिले आउ ई अभिजुक्त भितर जणे से तांको दुईटे किस्तिरे 30,000 10,000 40,000 पठाइथिले बैंक अकाउंट रे अकाउंट ट्रांसफर करथिले एवं अकाउंट ट्रांसफर कला परे से महिला जणक तांको कहिथिले जे खूब शीघ्र से फेरै देबे एवं तापरे तांको बैंक रे बैंक अकाउंट रे से कैश डिपोजिट मध्य तार दिन कर देथिले तेणु एथेरे आमर बम्बे रे जो दुई जन पाखकु पैसा जाइछि सेटाकु आमे तदंत को नैछु एवं कैश डिपोजिट को जागारु होइछि सेटाकु मध्ये आमे तदंत करछु
ओके तदंत चली क्राइम ब्रांच डीजी संजीव पंडा रिएक्शन रखुते तेज रोशन पाख को फेरबे रोशन जदि एम प्रकृत ओडिशा आक्टिव था तेज केवल ग्यांग्रे महिला अच्छा कहीं आप देखते डीआरडीओ कथा जो हनी ट्राप कथा कहगला एम निजर सौंदर्य बसीभूत करती भाव टकर कारबार करती डाटा लिक करती जदि ये ग्यांग आक्ट था जे महिला मैंने विशेषकर जो आक्टिव थे तेज हठात जड़े सन्देह करनी जे महिला मैंने किसी कार्य करते प्रकृत ये जो सेल ए प्रकृत ग्यांग भितर केवल महिला मैंने बेस आक्ट अच्छा ना पुरुष मत हो पारती देखो मैक्सिमम टाइम रे आम जो देखा स्लीपर सेल रे मैक्सिमम तो प्रायतः पुरुष था कारण गोटे जगार रहा जनक सब प्रकार व्यवस्था करवा बैंक जिनस बैंक टंका डिपोजिट कर ये सब जिनस जी जे मेल पर्सन पक्ष संभव हम फिमेल पर्सन हुए तो ये संभवपर हम ना इजीयर हम ना कि बर्तमान विभिन्न समय देखा जा उभय मेल और फिमेल से मैंने स्लीपर सेल हिसाब से आक्ट रोच्च कारण देखु जो हनी ट्राप कथा कहुच्छे हनी ट्राप तो जड़े युवती मध्यम भी हम कारण जो लोक फसायापी हनी ट्राप जरिया जो युवती ही चेष्टा करेंगे किंतु ता भितर भी देखो गोटे जिनस देखु डीआरडीओ क्यों क्यों लोक कम करों लोक पाखे क्यों तथ्य रोचे एवं क्यों लोकर तथ्य पाकिस्तान जो आईएसआई इजीयर इजीयर हम तक ट्राप करवा इजीयर हम एवं गुरुत्वपूर्ण हम से तथ्य जो महिला जनक हनी ट्राप करते पाखे पहुँचा केमती ता जड़े जो मैंने भी मुख्यतः स्लीपर सेल रोचम ही पहुँची थोड़ा कारण जो मैंने भी स्लीपर सेल था लोकों पर नजर रखती जो मान थ्रू रू से किसी जिनस हासल करें कि गुरुत्वपूर्ण तथ्य हासल करें जो तथ्यटी विदेश विशेषकर जो मैंने विदेशी शत्रु राष्ट्र रोचाई इजीयर हम एवं गुरुत्वपूर्ण होती तेणु ये स्लीपर सेल मानक ही अगर देश अपरेट कराई था जड़े हेड था से हेड मध्यम ही अन्य देश जो मैंने भी आईएसआई द्वारा कहतु कि अन्य देश द्वारा कहतु से माने ऑपरेट होता तेणु ओडिशा कहतु कि अन्य राज्य जदि बॉम्बे रे टंका डिपोजिट होती कहुच्छे हे तो से स्लीपर सेल बॉम्बे रही पारती किंतु क्योंठी ना क्योंठी विशेषकर अधिक अनुमान ओडिशा रे स्लीपर सेल एक्टिव अच्छा आम यही कहींपर कारण जो मैंने भी हनी ट्राप फसी से समस्ते ओडिया एवं ओडिशा रे घटना घटी कारण एभली जड़े स्लीपर सेल एक्टिव थिले ही से हुए तो तथ्य जो मैंने भी डीआरडीओ रे काम करछंती बैकग्राउंड कौन से कौ कौ डिपार्टमेंट रे काम करछंती थ्रू रे क्यों क्यों तथ्य हासिल करियो से पूरा तथ्य जे हनी ट्राप जो युवती जनक करुथिले तांको पाखरे पहुंचा जाइथबो तापर से युवती जनक हनी ट्राप करिवार प्रोसेस आरंभ करथिबे तेणु केउठी ना केउठी ए जो लिंक गुडा करउची कारण जो समय रे देखंतु बांग्लादेशी आतंकवादी कलिकतारु गिरफ हवा जहाँ तांको पाखरु एहा सूचना मध्ये मिलिबा जे 10 जन आतंकवादी आसते जो मैंने बिहार एवं ओडिशा विभिन्न जगार रोते तेणु क्योंठी ना क्योंठी ओडिशा रे सेतिक सुजोग रोची से इजीयर रोची जे गुइंदा जापरबनी कहीं जापरबनी आम ओडिशा आसिक सेफली रही जापर तेणुक ये सब दिग को अनुमान कले क्योंठी ना क्योंठी यह अनुभव करहे तो ओडिशा रे भी स्लीपर सेल आक्टिव थपारती पूरा चेन को ब्रेक करने को प्रथम से आइडेंटिफाए करने पड़ो क्यों मैंने स्लीपर सेल अच्छा क्यों मैंने ये जो संस्था गुड़िक जो संस्था गुड़िक देश सुरक्षा काम करछि सेथिरे जो माने काम करछन्ति ताको उपर नजर रखुछन्ति नियति बाबरे रोशन आपण जेमति कहथले जे विशेषकरी बांग्लादेशी एमारे बे सहजरे ओडिसा को आसी तांति विभिन्न व्यवसाय आळरे कथा कोंतु किबा कोनोसे काम थिबा कथा कय आसंति आ विशेषकरी बॉर्डर गुडी को सुरक्षित ना नाही संतोष को पाखो को फेरिबे अल्प समय अछि संतोष जे एमारे जदि ओडिसा रे एक्टिव थांते जेतु स्लीपर सेल कथा सामना को आसलाडी वर्तमान क्राइम ब्रांच मध्ये तदंत कोचे दिगरे एवं ए चेन को केमति ब्रेक कराजिबो ता सबटु बड चैलेंज तबे जदि संतोष एमारे ओडिसा रे एक्टिव थांति तबे एमाने को टार्गेट रे की आसी पारंति देखो बड़ कथा हूँ स्लीपर सेल आक्टिव थी कथा आम अति कम्रे 90% सियोर हो पार यहीपाई जमी प्रतिनिधि रोशन रथ कहते जे डीआरडीओ रे किए किए काम एवं डायरेक्टर पाख लोक किए के सुरक्षाकर्मी जोठी बेसी टेक्निकल जिनस रही अर्थात जोठी क्षेपणास्त्र घाटी रही जो जगार ये सब कार्यक्रम होती टेक्निकल टीम काम करेसर से जगह को किए जा सब घटना संपर्क तथ्य देउथिबा लोकटी स्लीपर सेल रे काम करुथिबा निश्चय नले रहस्यमय युवती केबे जानी पारिबो नाही जे सीए जाकु ट्राप करुछि सीए डीआरडीओ रे काम करुछि एवं से माने ही गुरुत्वपूर्ण तथ्य जानिछंती आउ तांको ठु तथ्य लीक करियेबो
ଏବଂ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଖବର ଦେଇଥିବେ ଯେ ଏଇ ଲୋକକୁ ଟ୍ରାପ୍ କଲେ ଏଇ ଲୋକ ହିଁ ଫସିବ। ଏମିତି ବି ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଫସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ଦେଶଦ୍ରୋହ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦେଶ ସହିତ ଗର୍ଦାରୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯିଏ ଟିକିଏ ଲୋଭରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଟିକିଏ ରହସ୍ୟମୟୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଫସିବ, ଜାଲରେ ଫସିବ, ସେହିଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି କରିକି ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ର କର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଡାଟା ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ। ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତଥ୍ୟଠୁ ଗଲା କେମିତି, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗିରଫ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ରହସ୍ୟମୟ ଯୁବତୀ ଜାଣିଲା କେମିତି, ସେମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ ସବୁ କଥା କହିକି ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ହେଲା କେମିତି, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦୁବାଇରେ ଚାକିରି କରିଥିବା କଥା ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀର ପାଖ ଲୋକ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଜାଣିଥିବା କଥା ଏ କଥା ରହସ୍ୟମୟ ଯୁବତୀ ଜାଣୁଛି କେମିତି, ଟ୍ରିପଲ ସେଲ୍ର ସଦସ୍ୟ ହିଁ ଏ କଥାକୁ ଖବର ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କହି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼େଇଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି 40,000 ଟଙ୍କା ନେଣଧଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ ହେଲା। ଓକେ, ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଏହାଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏମାନେ କେତେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ଥାନ୍ତି ଇଏ ନିହାତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏ ଚେର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ତାର ଚେର କାଟିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ରୋଶନ ରଥ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏ ଦିଗରେ କେତେ ଦୂର କାମ କରୁଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆକ୍ଟିଭ ଥାନ୍ତି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ, ଅନେକ ଏମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ କୋଟି ନା କୋଟି ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ସାରୁଛୁ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।